आलिया भट्ट और इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, वो बेस्ट है, अरे वर्स्ट है, बेस्ट है। गाइस ध्यान से देख लो इस चेहरे को, इसने डिसाइड किया है कि आज ये सारे गुब्बारे फोड़ देगा। तो भाई पापा और अंकी करने वाले यहाँ पर शूटिंग, और अंकी ने कहा है 5 गुब्बारे फोड़ देगी, 5 की 5 साफ मशीन से निकल रहे, ऐसे लग रहा है बस कर दिया काम। तो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 बजने वाले, और अभी हम जा रहे हैं स्नैक टाइम के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हम जब सुबह आए थे फिर हमने आराम करा, सोए, थोड़े से पराठे खा के सो गए थे। अब हम स्नैक टाइम पे जा रहे हैं, पहले नीचे होटल में, फिर हम लोग जाएंगे मॉल रोड पे। मॉल रोड पे घूमेंगे, थोड़ी तफरी मारेंगे, क्योंकि फिर शाम के टाइम पे तो पार्क में जा नहीं सकते, पार्क बहुत बढ़िया है। अंधेरा हो जाता ना फिर तो, इतना वो नहीं आएगा, तो हम कल दिन में जाएंगे वहाँ पे। और वैसा स्वेटर जैसे पहने हैं वैसा फैन चला है, पंखा चला के सर के ऊपर, और मैंने स्वेट सेट पहनी है, अपना गेटअप दिखाता हूँ। गाइज ये तो एवेंजर बन के जा रही है, मिस मार्वल बन के जा रही है, ड्रेस देखो इसकी, वैसे अच्छी लग रही है। और गाइस मैं नहाया नहीं हूँ ठंडे इलाके में आके, भैया नहाना बंद, सिर्फ मैंने क्या किया, मुंह हाथ धो लिया ठंडे पानी से, और अभी जा रहे नीचे। अंकित मटक मटक कैसे चलेगी आज? अच्छा तूने हील नहीं पहनी, फिर मटक के चल, ये मटक के नहीं होता, नहीं होता तेरे से, तू पुरानी हो गई अब। और दीवारे ने बोलता दीदी जब वो ड्रेस पहनोगी ना, ये उसने मुझे दुर्गा पूजा में भेजी थी, मतलब लास्ट ईयर भेजी थी, मैं अच्छी लग रही ड्रेस। गाइस बताने ऐसे लगा कोई एवेंजर्स हो, कोई फाइट फूट करने जा रहा है, ऐसा कॉस्ट्यूम से डिजाइन कर रहा है भाई। अंकी और मम्मी तो आए नहीं है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा जल्दी है नीचे जाने की, पता ना किसका वेट कर रहे हैं, तो 150 की स्पीड में चल 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 जल्दी चल। देख वो बैठे, देख वो बैठे, ये फिर उसको ढूंढ रहा है सेल्फी को, अभी मिलके गया अभी सुसु के बहाने, कहां गई सेल्फी, कैसे पर सेल्फी आ गया, ये रहा ये आ गया, ले ये आ गया, मिल ले इससे, हेलो हिल हिल। भाई इसके टिपिकल लड़कियों वाले सवाल है बाहर आके कि क्या मैंने मेकअप सही करा, क्योंकि कमरे में ना वो वाली लाइट है थोड़ी सी येलोइश, तो इसको समझ नहीं आएगा, ये कह रही मैंने ऐसा तो नहीं करती, आधे सकल अलग आ रही आधी अलग आ रही, क्योंकि आधे तरफ बाहर से लाइट है। मैं रामलीला के ऑडिशन के लिए अच्छी लग रही है, आलिया भट्ट और इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, वो बेस्ट है, अरे वर्स्ट है, बेस्ट है। यहाँ सबसे ज्यादा जो मजे आए वो कैस्पर के लिए, कैस्पर के आए हैं, अभी अंकल ने बोला है जो यहाँ पे हुआ है, उन्होंने बोला है कि कैस्पर और वो साथ में गाना गाएंगे, वो भी चिकन, तो कैस्पर ने हमें छोड़ दिया, कह रहा अच्छा चिकन छोड़ो भाई, शाम बहुत प्यारा है, बहुत क्या सेक्सी व्यू आ रहा है। और अभी बारिश हुई है जब हम सो रहे थे, मम्मी ने बताया हमें पता भी नहीं, पर देख तेरे को बर्फ दिखाता हूँ, सब लोग देख लो भाई, जूम कर देते वहाँ पर, इधर इधर से वो पहुँचा देना, और उससे पहुँच जाते हैं, देख पेड़ देख के हवा चलती बढ़िया, और ये चुड़ैल भाई साहब, इसकी इसका लड़का जब से आया ना 30 बार हक चुका है वहाँ पर, 2 घंटे के अंदर 3 बार आया, अंकी तू ही उठाएगा, और टिश्यू ले लो मार्केट भाई साहब, कोई गाली देगा इसकी पोटी नहीं यार भाई, या तो दुकान वाले से मांग लेंगे, हम टूरिस्ट हैं यार, थोड़ी सी तो हमारी इज्जत करेंगे, वैसे तो हमारी कोई इज्जत करता नहीं, क्या होता टूरिस्ट के नाम पे, वो देख वो कहाँ पहुँच गया, देख देख वो देख उसके यहाँ पहुंच जाए, जहाँ वो जाता है सेल्फी वहीं पर, कैस्पर कहाँ था सेल्फी, इसको मजा आ रहा है, फ्री घूम रहा है ना यहाँ पे, मस्त गाइस आते ही इसको ताने मिलने शुरू हो गया, बच्ची लगती है ना वैसे अभी की, 12th क्लास में ही हो, कितनी उम्र बता रही है, 25 25 चलो आज थोड़ा आस पास तो बता, नानी बना दो, ये खुद इतनी बच्ची सी है अभी, हाँ। अभी 25 अभी मैं खुद ही वो हो गई, वो भी कंफ्यूज हो गई, मैं एक चीज बताती हूँ अपने होटल में आने के फायदे, नेक्स्ट टाइम आप साथ में एंजॉय कर सकते हैं, और वो होटल ओनर भी है और फैमिली भी है, तो अभी साथ में स्नैक टाइम पे भी समोसा चल रहा है, लाल चटनी हो गई और चाय के साथ। तो भाई अभी माल रोड पे आ चुके हैं, और यहाँ पर ये पता नहीं कौन सा मेला दिखाना चाहते हैं मेरे को, लास्ट टाइम आया था तब तो तूने दिखाया था मेला, तब लगा नहीं था ना, नवंबर अच्छा तब लगा था, तो मम्मी आई है साथ में, लड़का आ गया, पापा घर पे बैठे हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि भैया उन्होंने घुटने में दर्द है, वो कह रहे हैं कल से एंजॉय करूंगा, क्योंकि उनका मार्केट में रोज ही घूम रहे, वो कई बार आ चुके ना यहाँ पर, तो उनका तुम घूम लो, तू बोल आएंगे इतनी आ रही हूँ, ये लड़की नहीं रुकेगी भैया, जो भी चीज को लगेगी खरीद सकती है उस पर अटैक कर दे, क्या खरीद रही है मजा, अभी मोल भाव कर रहा है, और अभी इस टाइम पे ये क्राउड है, शाम के 5:30 हो रहे भाई साहब, मॉल रोड मतलब ये सबसे मतलब हैपनिंग मार्केट रहती है यहाँ की, और थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ ये लोग इस टाइम पर, बाकी आगे चलेंगे अभी कुछ खाने, तो वहाँ का व्यू भी दिखाएंगे आपको, और हल्की हल्की सनलाइट पड़ रही है अभी, तो व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो भाई अभी इसमें मेला लगा हुआ है, मैं आया नहीं कभी यहाँ पर, लास्ट टाइम भी लेके नहीं आई थी, तभी देखते हैं क्या है अंदर, तो क्या क्या कुछ है इसमें, कुछ तो है अच्छा, ये मेरे से कह रहे थे कोई पिट्ठू बैग लेना है,
ये किस एंगल से पिट्ठू बैग लग रहा है तेरे को पहले ये बता। क्लासी लग रहा है, क्लासी लग रहा है, लेकिन अगर मैं सामान कैरी मैं करता हूँ अच्छा लगूंगा। भाई ये बताओ, मैं ये सफेद रंग का झोला टांग के मैं कैसा लगूंगा? ये थोड़े से यूनिक से अच्छे लगते हैं। कितना प्यारा है, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। भाई साहब एक तो ना इन दोनों की चॉइस में समझ नहीं आती, सतरंगी सी मैं बता रहा हूँ। पता कैसे लगी तू, जैसे पाइन एप्पल होता है सर पे पहन के, ये ऊपर से ये निकले हुए। भाई तुम बताओ टोपी कैसे लगी इसके ऊपर? मुझे रेड लेनी है। रेड तो तू मेरी प्यूमा वाली पहन लियो, ये प्यूमा का था प्यूमा ये। हाँ वैसे सही लगी इनकी, वैसे हाँ तुम मेरे साथ रह के थोड़ी सी गोरी होगी ना। गाइस कैस्पर के फैन कहीं भी मिल जाते हैं, हमें तो कोई नहीं पहचानते लेकिन कैस्पर सब मिल जाते हैं। और इसकी फैन फॉलोइंग कोई एज से कुछ रिलेटेड नहीं है, फोटो खिंचवा रहा भी कैस्पर। गाइस ध्यान से देख लो इस चेहरे को, इसने डिसाइड किया है कि आज ये सारे गुब्बारे फोड़ दे यहाँ पर, तो देखते हैं कितना डिसाइड किया है। होगा नहीं वो पता नहीं। अच्छा और पापा को मैंने कहा पापा ट्राई कर लेते हैं, पापा का निशाना वो अच्छा है, तो आज कंपटीशन। अंकित तू तो एक तरफ हारेगी मुझे उम्मीद है। भाई साहब मजा आने वाला है और मैं तेरे पे पैसा नहीं लगा सकता। हाँ हाँ बिल्कुल, जो गुब्बारे फोड़ोगे ना तुम उन पे तुम 50 लाख दोबारा फुला सकते हो उनको। तो भाई पापा और अंकी करने वाले यहाँ पर शूटिंग और अंकी ने कहा है 5 गुब्बारे फोड़ देगी, 5 की 5 गोली में। तो लेट्स सी क्या होने वाला है। सही पकड़ा है बिल्कुल, कोई तो फोड़ेगी तुम। तो भाई देखते हैं, पहले पापा की बारी, पहले पापा मारने वाले हैं गोली। अंकी अब तेरी बारी, आगे तो ले जा बंदूक, थोड़ी पास तो जा, थोड़ी पास तो जा। कोई नहीं फूटा, फूट गया एक, खुद ही कंफ्यूज है देख नहीं रही आगे। उसमें हरा वाला मार दो, वो दो हरे इकट्ठे है ना, हाँ ऊपर वाले जो इकट्ठे तो है उनमें से कोई भी एक। अरे भाई साहब कह के गोली मारी है। चल अंकित तो इनमें से किसी पे भी मार दे, जितने में किसी पे भी। अंकित तू कहाँ मार रही है गोली, उल्टी तो नहीं चला रही? भाई साहब एक दिन लगा पापा एक और गोली। देखना बिल्कुल क्लोज करो पास, हाँ बिल्कुल आँख से देखते हुए। वैसे इस लड़की पे डाउट है मेरे को, एक भी गुब्बार नहीं फोड़ा अभी तक इसने। अंकी सारा पैसा बर्बाद करवाया तूने आज। सही में लाख डेढ़ लाख का नुकसान है। अब वो लास्ट वाला ले लो, 2 लाख का नुकसान, 2 लाख का नुकसान। हाँ लास्ट वाला लो, लास्ट वाला येल्लो वाला बिल्कुल लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला। एक बिल्कुल एक्सपर्ट और एक बिल्कुल। और भाई साहब देख अंकी आज कोचिंग लेनी पड़ेगी तेरे को इस चीज की। टैलेंट आ गया था अच्छी ना। अरे वेल डन, ये जो है ना 7 पे अब लाइसेंस नहीं है, तो 0.22 है। अच्छा मेरे पैसे हो लो उस पे लाइसेंस। अच्छा अच्छा उस पे लाइसेंस कर दिया पहले। अंकी तूने एक नहीं फोड़ा यार, एक गुब्बारे नहीं फोड़ा इसने। अच्छा एक चांस रहेगी इसकी, क्या लड़की गुब्बारा फोड़ पाएगी? थोड़ा ऊपर मार देना कहीं। चलाना है तो बोलो, नहीं चलाना है तो। ओ भाई साहब तालियां, इतनी खुशी इस चेहरे पे, इतनी खुशी हो गई भैया। हो गई इसकी कंप्लीट? हाँ हो गई। चारों ने छह आपने किया ना, 6 10 हो गए ना। ठीक बस इसने वैसे पैसा बर्बाद करना। तो गाइस आपने देखा बहुत ही तगड़ा कॉम्पिटिशन हुआ था, जिसके अंदर एक तरफ हारी है और पापा ने भाई साहब जो दो गुब्बारे मैंने बोले ग्रीन और एक वो येलो, भाई साहब सारे मतलब एक तरफ जो बोला वही निशाना मारा है। पापा बताए कब, मम्मी कह रही मुझे कैसे काट रहे हो ब्लॉग में, पापा बताए कितने पुराने खिलाड़ी इन चीजों के, पापा कह रहे असली चला ये चला। अंकित भाई साहब इस टाइम कितना क्राउड है तू ही बता दे एक बार। मुझे लग रहा है पूरा दिल्ली NCR सब लोग उठ के आ चुके हैं यहाँ पर है ना। हाँ अब शाम के 6:15 बजे भाई तुम क्राउड देख लो पूरा, आगे तक भरा पड़ेगा पूरा भरा। सॉफ्टी हाँ सॉफ्टी बढ़िया। तो कहीं अभी सॉफ्टी ले रहे हैं, इसका सिनेमैटिक शॉट बनाने वाली है, बहुत तगड़ी कैमरा मैन है भाई। इसमें से आ रही है उसकी, बताऊँ कैसे आ रही है, कैसे लग रही है आते ट्राई? तो मिक्स है ना ये तीनों, मिक्स है। मम्मी को दे दे कैश में, मेरी में से थोड़ी सी दे दूंगा मैं कैस्पर को। अंकी पापा का अंदर से वो पापा जूस, पापा ने लिया है जूस, वो आइसक्रीम नहीं खा रहे। गाइस ये जो सॉफ्टी है बचपन में खाते थे हम बस लगती, लेकिन जब मशीन में से निकलते हुए मैंने देखा ना, मैं बस बोलना नहीं चाहता कैसे निकल रही थी। अपना अलग बोल लिया भाई,
बहुत जूस पी रहे हैं। लेकिन तू बताना मशीन में जब निकल रही भाई, कमेंट करके बताना कैसी लग रही थी। कमेंट उनका मूड खराब भाई साहब, मशीन से निकल रहे ऐसे लग रहा था बस कर दिया काम, तो बताओ सारा मूड खराब। गाइस कुछ भी कहो, एक चीज तो है भाई, पहाड़ी इलाके में मार्केट में घूमने के अलग ही मजे। एक तो ठंड, ऊपर गर्मी नहीं लग रही, जून के टाइम में ऐसे और क्राउड इतना रहता है तो हैपनिंग और रहता है। शर्ट पहन के लगी हवा कह रहे चलो। मैं तो पहली स्वेट शर्ट पहन के आ गया था, मेरे को पता है ठंड लगने वाली, और 6 बजे हवा चल रही थी, वो ठंडक पड़ती है ना, सनसेट जल्दी हो जाता है। और हाँ बारिश हुई, बर्फ भी गिरी, बर्फ भी गिरी ऊपर, व्यू काफी अच्छा है। रोहतांग जाएंगे, रोहतांग जाएंगे अभी, 12 लच्छा काफी जगह जाने प्लान है काफी, तो जुड़े रहो मुस्कुराते रहो, अभी ब्लॉग चलता रहेगा। तो गाइस अभी शाम के 8 बजे और अभी हम मॉल रोड से आ गए थे, रूम में थोड़ा रेस्ट किया, फिर अभी डिनर टाइम हो चुका है। और डिनर में एक तो दाल बनी है और कोरिएंडर ऊपर मस्त लगेगा, और मटर पनीर है, और क्या था बाबा, अंडा करी, एग करी। अरे भाई साहब कितने टाइम बाद खा रहा हूँ, वही चलो नहीं, अंडा करी तो मैं बहुत टाइम बाद खा रहा हूँ, मजा आ जाएगा खाने में है। और ये प्याज तो इसने छुड़वा दिया मेरे भाई साहब, मैंने एक जमाना था जब मैं प्याज खाता था बहुत सारे। गाइस अभी ना एक चपाती और बॉइल्ड चिकन मिक्स करके कैस्पर खाना तैयार किया है, और सेल्फी को पता लग गया इसके बर्तन में खाना दिया जा रहा है, तो सेल्फी अपने बर्तन की रक्षा करने के लिए आ चुके। क्या कर रहे हैं अंकी, खा लेगा ये कैसी, खाओगे, सारा खत्म कर दियो, देखते देख जीभ लपक पा रही है इसकी, तो ये तो मस्त चीज आ गई, मस्त चीज आ गई, मस्त मस्त मस्त। कौन जीतेगा, कौन जीतेगा इनकी लड़ाई में, दे दे भाग गया। कौन खाएगा, कौन खाएगा, कौन खा रहे, नहीं उसने कहा खा ले भाई, खा ले, मेरा रोज का है, इसने कहा तो चल, वो कह रहा है गरीब मेरा रोज का, अंडरस्टैंडिंग पर्सन है, हां नहीं वो वैसे भी बहुत वो है, समझदार है वो, आपसे खिलाने की जरूरत ना पड़ रही है, ये कह रहा मेरे घर पे आया तो तू खा ले आराम से, हां अभी देख लो हाथ से नहीं खिलाना पड़ रहा है जिसको। इस कारण चीको वहाँ से क्या है वो एक आता है ना चॉप करके, उस वहाँ से थोड़ा सा, हाँ हाँ अभी तो हाँ जल्दी दे दे। तो भाई रात की पेट पूजा करके होटल में अब हम आए थोड़ा दोबारा तफरी मारने, और अभी ये देखो चार्ली चैपलिन का शो हो रहा है यहाँ पर, पूरी एक्टिंग बिल्कुल, मतलब पूरे एक्सप्रेशन बहुत गजब है ना, ये देख गाइस। खाने के बाद कुछ मीठा खाना था तो पापा ने कहा था जलेबी उठा लेना गर्मा गर्म, तो गर्म तो नहीं है इतनी, तो वो गर्म करके दे रहे हैं अभी दोबारा, और इसके बाद ये खाएंगे, तो उसके बाद खा लियो ना रबड़ी, वो ले ले, हट जा ट्रक उठा देगा तेरे को पीछे से, मूछ लगा के आया, वैसे ही मूछ लगा रही है।